बादलों में आ गए हम दोबारा से, और देख सकते हो ये रास्ता अब निकल रहा है चंडीगढ़ की ओर। अभी सड़कें थोड़ी सी खाली हैं, कुछ कारण ये भी है कि अभी दिल्ली वाले लोग ज्यादा नहीं आ रहे होंगे, और आज वैसे वीकडे है इस कारण से भी, और सड़क बहुत नैरो है। अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाती है तो मेरे को बैक करना पड़ता है। अभी आगे एक आई भी थी तो हमें बैक करके साइड पे लगाया था। बाकी मौसम बहुत ठंडा है, मजा आ गया ड्राइव करके। तो ये जो ट्रेल है ये परमाणु वाला है, वही सड़क जा रही है परमाणु, 20 किलोमीटर दिखा रहा था अभी पीछे मैंने देखा था। तो फिलहाल आप नजारों के मजे लीजिए। तो हमने परमाणु कवर करके अब हम आए हैं कालका के रास्ते से। ये थोड़ी सी मार्केट एरिया पड़ जाता है और यहाँ पे काफ़ी रश भी दिख रहा होगा आपको। कालका पड़ता है हरियाणा में और परमाणु पड़ता है हिमाचल में, तो यहाँ पे काफ़ी चेकिंग भी हो रही है, पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। चंडीगढ़ और यहाँ का वेदर हो रहा है बहुत ही ऑसम, ठंड के है ऊपर से फॉगी सा हो रहा है, यहाँ तो स्मोग नहीं होगी फॉर श्योर। बाकी ये राइट काट लो, ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, चारों तरफ ग्रीनरी है। चंडीगढ़ तो एक अलग ही सिटी है, अलग ही यहाँ पे फन है। बाकी चलते हैं फिलहाल, देखते हैं वहाँ पे हमें होटल जहाँ पे अच्छा मिलता है होटल देखते हैं, फिर उसके बाद चेक इन करते हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30, चलो। अभी हम रुके हैं सेक्टर 22 में, यहाँ पे हमने देखना है होटल। तो यहाँ की पार्किंग के लिए वेट कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है आगे। और ये सारी आप देख पा रहे होंगे मार्केट है यहाँ पे, ये यहाँ की रोड है। होटल अभी हमने बुक किया नहीं है तो सोचा वहीं जाके कर लेंगे, क्योंकि वीकडे है तो इतना इशू होगा नहीं। तो बाकी देखते हैं कौन सा होटल अच्छा लगता है, फिर उसके बाद चेक इन करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं चंडीगढ़ और ये है हमारे चंडीगढ़ का होटल, और ये रहा हमारा रूम। काफ़ी अच्छा होटल है यहाँ का, और गौतम सही है ना रूम? ये रहे मेन्यू, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अभी तक तो इस होटल का। अभी तो जस्ट लॉगिन किया है, आधा ही घंटा हुआ है। अब थोड़ा सा आज हम कर रहे हैं रेस्ट, बाकी अभी निकलेंगे यहाँ से लंच वंच करके थोड़ा सुकना ले घूम के आते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़े टाइम तक। बजे हैं शाम के 5:30 और अब हम आ गए हैं सुखना लेक घूमने। तो कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा क्राउड लग नहीं रहा, वैसे बहुत क्राउडेड रहता है यहाँ पे। तो
तो ये कुछ स्टॉल्स हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये फूड स्टॉल्स वगैरह। थोड़ा बाहर का खाना वैसे अवॉइड ही करना चाहिए इस टाइम पे, काफ़ी भीड़ लग रही है यहाँ पे। और ये कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, और वो सामने है सुखना लेक। तो ये है यहाँ का नज़ारा सुखना लेक का। अलग अलग तरीके की बोट्स हैं यहाँ पे, शिकारा है, पैडल बोट है, बड़ी वाली बोट है। काफ़ी क्राउडेड है, बोटिंग तो यहाँ ओपन ही है, लोग कर भी रहे हैं। और दूर तक आप देख रहे होगे तो ये पूरा का पूरा लेक के किनारे ट्रैक चलता है, जहाँ पे लोग सैर वैर करने आते हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, बहुत जल्दी यहाँ पे मेरे को लगने वाला अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले कि अंधेरा हो हम भी कोशिश करते हैं, अगर बोटिंग करनी है तो बोटिंग करते हैं, नहीं तो थोड़ा यहाँ पे वॉक करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो काफ़ी हैपनिंग रहता है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स बनाने वाले भी बैठे हैं, वो सामने अगर देख रहे होंगे सरदार जी बैठे हैं, कुछ कैमरा मैन होते हैं जो आपको फ़ोटो क्लिक करके उसके बदले में हाथ के हाथ विद इन एन आवर फ़ोटो भी दे देते हैं, उसके बदले में कुछ चार्जेस लेते हैं। बोटिंग के यहाँ 300 to 400 पर पर्सन, अलग अलग बोट का हिसाब किताब है, फॉर हाफ एन आवर फॉर एन आवर। तो हम लास्ट टाइम बोटिंग करके गए थे, तो अभी हमने डिसाइड किया कि बोटिंग ना की जाए, क्योंकि अगर बोटिंग करने चले गए तो फिर अंधेरा हो जाएगा और हम यहाँ पर ट्रैक पर वॉक नहीं कर पाएंगे, जो कि इस मौसम में हमें शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 5:45, और आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे लाइटिंग थोड़ी थोड़ी जलनी शुरू हो गई है, और जो बोट्स थी अब वो भी वापस जा रही हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम अंधेरा हो जाएगा। तो अब बोटिंग मेरे ख्याल बंद हो चुकी है, कुछ टाइमिंग होती है इनकी सर्दियों में अलग गर्मियों में अलग। वो एक शिकारा है, और ये कुछ इन्होंने यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो डेड एंड बना रखा है कि जिससे आगे आप नहीं जा सकते बोटिंग करने। और दूर थोड़ा थोड़ा फॉगी सा होने लग गया, हल्का हल्का लाइटिंग चमक रही है बट फॉग दिख रही है। और ये है ट्रैक जहाँ पे अभी भी लोग वॉक कर रहे हैं, काफ़ी सफाई है यहाँ पे, मेंटेन किया हुआ है, देख पा रहे हो कुछ ऐसा गंद दिख नहीं रहा। बाकी थोड़े बहुत कुछ लोग होते हैं हल्का फुल्का गंद डाल जाते हैं, पर काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, दोनों तरफ लाइटिंग है, सेफ है ट्रैकिंग के लिए, ट्रैक करने के लिए, जॉगिंग के लिए, वॉक करने के लिए। पंजाब में होता है मंजियाँ वगैरह, आप बाहर कुछ खा बैठ के भी खा सकते हैं, अंदर बैठ के खाना तो आप अंदर बैठ के खा सकते हैं। शॉपिंग के लिए भी काफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पे।